हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोगों के ऊपर। लोगों जब आप अपने एप्लीकेशन का बनवाते हो या खुद बनाते हो, आपको पता है लोगों कितना इम्पॉर्टेंट है। लोगों की वजह से आपके एप्लीकेशन पे 25% का ग्रोथ मिलता है। अभी ग्रोथ आप प्रमोशन जब करवा रहे हो तब भी मिलता है, अगर आपका एप्लीकेशन सर्च लिस्ट में आ रहा है तब भी मिलता है आपके लोगों की वजह से सिर्फ। और लोगों पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों को ना बहुत हल्के में लेते हैं। जो हमारे एप्लीकेशन का ब्रांड होता है, जिससे हमारे एप्लीकेशन की पहचान होती है, लोगो, जो आपके एप्लीकेशन का लोगो का कभी आप देखना आपका छोड़ो, अगर आपने गूगल वगैरह से डाउनलोड करके डाला होगा तब वो मैं नहीं कह सकता, अगर आपने खुद से भी बनाया होगा तो उसमें भी जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और ये मिस्टेक्स आप सुधार सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। आपके एप्लीकेशन का ब्रांड मतलब उसी से आपके एप्लीकेशन की पहचान होती है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, और उन पॉइंट्स को अगर आप अपने लोगों में, एप्लीकेशन के लोगों में इंप्लीमेंट करते हैं, तो इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके एप्लीकेशन को बहुत कम तो एटलीस्ट 25% की ग्रोथ तो ज़रूर मिलेगी प्ले स्टोर पर, अगर आपका एप्लीकेशन है तो। ठीक है, तो हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप लोगो बनाते हो, समझ के चलो आपका एक वॉलपेपर का एप्लीकेशन है, ठीक है, वॉलपेपर का एप्लीकेशन है, और आपने उस पे एक तो इमेज भी डाल के रखा है, दूसरा टेक्स्ट भी डाल दिया, यानी कि आपको उसमें ना ओवरलोड ज़्यादा नहीं डालना है कि इमेज भी डाला टेक्स्ट भी डाल दिया, वैसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्लियर दिखना चाहिए। मतलब अगर कोई प्ले स्टोर पर सर्च कर रहा है कि उसे वॉलपेपर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, तो उसको क्लियरली आपके लोगों को देख के समझ में आना चाहिए कि उसको आपके एप्लीकेशन के अंदर क्या मिलेगा, किस क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है, आपको शायद पता भी नहीं होगा, अगर आप प्ले स्टोर पर जाओगे, ऐसे बहुत एप्लीकेशन है जिनका लोगो इतना अट्रैक्टिव रहता है, उस लोगो की वजह से लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और अंदर कुछ भी नहीं रहता है। सो लोगों की वजह से वो जो आपके एप्लीकेशन का लोगो है उसकी वजह से डाउनलोड कर लेते हैं जो यूजर्स रहते हैं। ठीक है, तो लोगो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उस पर टेक्स्ट और आइकन ये दोनों मिक्स मत कीजिए। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, डोंट यूज एन इमेज। अब ये क्या मैंने बोल दिया, मतलब कि इमेज ही यूज नहीं करना तो यूज क्या करेंगे। ठीक है, आप अपने लोगो के लिए इमेज यूज मत कीजिए। बड़ी कंपनियां जो रहती हैं, कोई भी आप बड़ी कंपनी देखो, अमेजोन हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल, ये सब अपने एप्लीकेशन के, इनका लोगो देखना आप जाके, ये लोग इमेज यूज़ करते हैं क्या, कभी कभी इमेज यूज़ नहीं करते, वेक्टर को यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका एप्लीकेशन का लोगो होता है, एक तो उसकी साइज़ भी कम रहती है, ठीक है, और फ्रेश दिखता है जब भी वो लोड होके कहीं भी। आप सिर्फ प्ले स्टोर के लिए नहीं, अगर आप अपनी वेबसाइट का भी लोगो बना रहे हो तो वेक्टर यूज़ करो उसमें। उससे क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन का लोगो का या फिर वेबसाइट का लोगो, वो थोड़ा मतलब कम स्पीड में भी एक तो जल्दी शो होगा, दूसरा अट्रैक्टिव दिखता है और बहुत अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो वेक्टर, अगर वेक्टर वगैरह बनाना आपको नहीं आता है तो आपके पास यूआई डिजाइनर, अगर आप जिससे एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो उनसे आप बनवा सकते हो वेक्टर इमेज। उनको बोलो कि मेरे एप्लीकेशन के लिए आप वेक्टर यूज करो, इमेज यूज मत करो लोगो में, तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ऐड अ बॉर्डर। अब ये ऐड अ बॉर्डर मैंने क्यों कहा, ये मैं आपको बताता हूँ। बॉर्डर से किसी भी, आप कोई भी ड्राइंग करो उसको साइड से आप बॉर्डर दो, देखो कितना अट्रैक्टिव लगता है, मतलब थोड़ा शेप देने से अच्छा लगता है वो, उसके साइड के बॉर्डर से और अट्रैक्टिव लगने लगता है आपका लोगो। ठीक है, अब फिर कोई भी आप बड़ी कंपनी का लोगो उठा के देख लो, अगर उनका मतलब किसी टाइप का नेम अगर उन्होंने बीच में लिखा हुआ है या फिर वेक्टर को यूज़ किया हुआ है, तो साइड में बॉर्डर जरूर रहता है। विदाउट बॉर्डर, अब वैसे तो प्ले स्टोर का एक चीज़ अच्छा लगता है मुझे, विदाउट बॉर्डर भी वो वाइट कलर का आ जाता है वहाँ पे साइड में। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे, पर आप लोग बॉर्डर जरूर यूज़ करो, ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, फोर्थ है, गिव वेल डिफाइंड एंड यूनिक शेप। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बता देता हूँ। होता क्या कभी कभी कि आपके एप्लीकेशन जब यूज़र आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप सभी को पता है, अभी आप नॉर्मल अपने फ़ोन को ओपन करो, ओपन करने के बाद आपको ऐसे बहुत एप्लीकेशन दिख जाएंगे, और अगर यूनिक शेप है किसका तो वो फाइंड करने में ईजी होता है। ठीक है, मतलब लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, समझ के चलो कि आपके एप्लीकेशन का लोगो आपने मतलब नॉर्मल बनाया, जो नॉर्मल आप बनाते हो, तो उसमें क्या होगा कि यूज़र को एप्लीकेशन को आप खुद उसने इंस्टॉल किया लेकिन उसको फाइंड करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने कुछ यूनिक शेप दे के रखा है उसको, जैसे एडसेंस का लोगो आप देखो, एल की तरह रहता है, येल्लो और ब्लू का। ठीक है, गूगल का देखो जी लिखा रहेगा। ठीक है, YouTube का देखो शेप कैसा रहता है, तो शेप देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर यूजर आपके एप्लीकेशन को फाइंड कर रहे हैं अपने फोन में तो वो इजीली फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी आप अपने लोगों को अगर डिजाइन कर रहे हो तो उसको शेप, स्ट्रांग शेप दो, ऐसा शेप दो जिससे कि मतलब अगर यूजर अपने ही फोन में आपके एप्लीकेशन को फाइंड कर रहा है तो जल्दी मिले। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, अवॉइड यूजिंग वर्ड्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, कभी भी वर्ड वगैरह को आप उस पर मत डालो। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देखो, अगर आप वर्ड डाल भी रहे हो
तो वर्ड कैसे डालना है, एक्चुअली मैं वर्ड अगर डाल रहे हो तो वर्ड डालने के भी तरीके होते हैं, उसमें आपको एक फैंसी टाइप का वर्ड, कुछ दूसरा फॉन्ट आपने यूज़ कर लिया, वैसा नहीं करना है। जो लिखा है वो दिखना चाहिए आपके लोगों में, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो। अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ने को भी समझ में भी नहीं आ रहा है, बट वही वर्ड यहाँ पे कितना फ्रेश लिखा हुआ है। तो वर्ड लिखना है तो थोड़ा फ्रेश तरीके से आप उसको लिखो लोगों में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। सेलेक्ट द राइट साइज, अब क्या होता है ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलो। प्ले स्टोर पर जब हम पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे साइज होती है 512x512 की, ठीक है। और आपने लोगो बना दिया है कुछ हाई, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का, तो वहाँ पे आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। लोगो का एक तो साइज, जो परफेक्ट साइज आप उसको चूज करो, परफेक्ट बॉर्डर दो, वेक्टर यूज करो और लोगो को एक यूनिक शेप दो, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को जब आप मिक्स करके एक लोगो बनाओगे तब आप देखो आपका लोगो कितना प्रोफेशनल बनता है। और इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब वो आप प्ले स्टोर पर अपलोड करोगे तो एटलीस्ट 25% की ग्रोथ तो जरूर मिलेगी आपके एप्लीकेशन को। मुझे ऐसा देखो एक्चुअली ऐसा है ना कि लोगों को लेके मैं वीडियो ऑलरेडी मैंने एक दो डाल रखे हैं, बट ये डिटेल्ड वीडियो है कि आपको ये पॉइंट को कवर करना चाहिए जब आप लोगो बना रहे हो या फिर बनवा रहे हो तो, और जिससे बनवा रहे हो उनको आप ये पॉइंट बता सकते हो, आप ये वीडियो दिखा सकते हो कि इन पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया, एक्चुअली मैंने बहुत ईजी मतलब अच्छे से बताया पॉइंट वाइज, नहीं भी समझ में आया तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो लोगों में, और क्या जानना है आपको। वैसे मैं मेल पे भी आजकल ज़्यादा रिप्लाई दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा वॉलपेपर वाला वीडियो था जो मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए थे, इसके बाद उसके फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट दोनों आने वाले हैं, तो उसकी वजह से मुझे मेल्स भी आ रहे हैं। तो अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेल पे भी थोड़ा आपको फास्ट रिप्लाई दे सकूँ, तो कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ या फिर कुछ भी दिक्कत हुआ किसी भी ऐप से रिलेटेड आपको तो मुझे मेल ज़रूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।